हाय एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मिलेट्स और दाल से बनी दो डिलीशियस रेसिपीज जिसे आप अपने बच्चों को टिफिन बॉक्स में दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे मिलेट्स और दाल डोसा। सबसे पहले हम एक बोल में डालेंगे 1/4 कप फॉक्सटेल मिलेट्स और साथ में डालेंगे 1/4 कप लिटिल मिलेट और यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1/4 कप किन्वा। अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच हरी वाली मूंग दाल और अब डालेंगे 2 बड़े चम्मच पीली मूंग दाल, 2 बड़े चम्मच मसूर दाल और साथ में 2 बड़े चम्मच चना दाल और अब लास्ट में हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच उड़द दाल। अब आप इसमें पानी डाल लें और पानी डालकर आप इसे एक बार अच्छे से धो लें। अच्छा, आप यहाँ पे चाहें तो इसमें अपनी पसंद की और कोई भी दाल ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। अब आपको करना क्या है, जो इसका एक्स्ट्रा पानी है आप इसे निकाल लें और इसमें फ्रेश पानी डालकर आप इसे कवर कर रात भर के लिए भीगने के लिए रख दें। अगर आपके पास पूरी रात का टाइम नहीं है तो आप इसे कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए भिगो लें। तो ये देखिए, मैंने इसे रात भर के लिए भीगने के लिए छोड़ दिया था। हमारे जो दाल और मिलेट्स हैं वो अच्छे से भीग चुके हैं। अब आपको करना क्या है, इसका एक्स्ट्रा पानी आप निकाल लें और उसके बाद आप इसे मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर दें। यहाँ मैं इसे 2 बैचेस में ग्राइंड करूँगी। आप चाहें तो इसे एक साथ भी डाल सकते हैं, लेकिन उसके पहले हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। पानी आप ज़्यादा ना डालें, थोड़ा ही डालें और उसके बाद 1 छोटा चम्मच आप नमक डालें, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और साथ में 1 छोटा चम्मच जीरा और ये सब डालने के बाद आप इसे अच्छे से ब्लेंड कर लें। तो ये देखिए, ये अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। अब आप एक लार्ज बोल ले लें और जो हमने मिक्सचर को ब्लेंड किया था वो आप इसमें डाल लें। तो ये देखिए, यहाँ पर जो दूसरा बैच था मैंने उसे भी ब्लेंड कर लिया है और मैं उसे भी इसमें ट्रांसफ़र कर रही हूँ। अब जो मिक्सर जार था उसी में मैंने डाला है थोड़ा सा पानी और वो पानी भी हम इसमें डाल लेंगे। आप यहाँ पे जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसी में थोड़ा सा पानी डालकर मिक्सचर में ऐड कर लिया है। अब आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें। तो ये देखिए, हमारा जो बैटर है उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। अब आप एक तवा गरम कर लें। यहाँ पे मैं नॉनस्टिक तवे का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो रेगुलर जो घर पे तवा होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, आप इस पे थोड़ा सा तेल डालें और तेल डालकर ऐसे ऐसे अच्छे से ग्रीस कर लें। उसके बाद हमारा जो डोसा बैटर है वो आप इस पे डाल लें और डोसा तैयार कर लें। आप यहाँ पे डोसा बड़ा या छोटा अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। अब आप इसे थोड़ा सा पकने दें। जैसे ही ये थोड़ा सा पक जाए आप इसके ऊपर थोड़ा सा तेल ड्रिजल करें और तेल डालने के बाद आप इसे थोड़ा सा पका लें और पलट कर दूसरी तरफ से भी अच्छे से पका लें। तो ये देखिए, यहाँ पे डोसा को मैंने दोनों तरफ से पलट कर अच्छे से कुक कर लिया है। अब मैं इसे फोल्ड कर रही हूँ और मैं यहाँ पे इसे टिफ़िन बॉक्स के लिए बना रही हूँ। आप चाहें तो इसे रेगुलर घर पर भी खा सकते हैं। ये डोसा अगर आप बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में देंगे तो ये काफ़ी टाइम तक सॉफ्ट रहता है और बच्चे इसे ईजीली खा सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसे टिफ़िन बॉक्स में अरेंज कर लिया है और उसके बाद मैं इसे सर्व कर रही हूँ कोकोनट चटनी के साथ। आप यहाँ पर इसे अपनी फेवरेट किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो चलिए, अब बनाते हैं हमारी दूसरी हेल्दी और डिलीशियस रेसिपी, जो कि है मल्टी मिलेट और मल्टी दाल इडली। ये इडली खाने में बहुत ही डिलीशियस है और आपके बच्चों को ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये इडली बनाने के लिए आपको करना क्या है, जो हमारी पहले वाली रेसिपी थी डोसा रेसिपी, उसी में से थोड़ा सा बैटर बच गया था तो उसी में मैं डाल रही हूँ 1/4 कप सूजी और सूजी डालने के बाद आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें। और यहाँ पे मैं अब इसमें डाल रही हूँ 2 से 3 बड़े चम्मच और सूजी, और सूजी डालने के बाद देखिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा पानी और पानी डालने के बाद आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें। आप यहाँ पे ज़्यादा पानी ना डालें, लगभग 1 से 2 बड़े चम्मच के करीब आप इसमें पानी डालें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच नमक और नमक डालने के बाद आप इसे एक बार फिर से मिक्स कर लीजिए। तो ये देखिए, हमारा जो इडली का बैटर है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब आपको करना क्या है, आप इसे 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। तो ये देखिए, 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ यहाँ पे एक इनो का पैकेट, और इनो का पैकेट डालने के बाद आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें। जो रेगुलर वाला इनो आता है वही वाला यूज़ कीजिए। अब यहाँ पर मैंने इडली प्लेट को तेल से अच्छे से ग्रीस कर लिया है और उसके बाद हम इसमें जो इडली बैटर है वो पोर करेंगे। आप इस बात का ध्यान रखें कि आप जो इडली बैटर है वो इसमें पूरा ना भरें, इसमें थोड़ी सी जगह आप छोड़ दें ताकि जो हमारी इडली है वो अच्छे से फूल सके। तो अब इस पर मैं गार्निशिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे काजू। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो आप डालें, अदरवाइज़ आप इसे स्किप भी कर सकते हैं।
तो ये देखिए यहाँ पे जो दूसरी वाली इडली प्लेट है उसमें भी मैं इडली बैटर डाल रही हूँ। ये रेसिपी बहुत ही हेल्दी है, आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपने बच्चों को ज़रूर बना कर दें, उन्हें ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसमें भी इडली बैटर डाल लिया है और यहाँ पे इसे भी मैं गार्निश कर रही हूँ काजू के साथ। और अब आपको इडली को स्टीम करना है 10 से 12 मिनट के लिए। आप इसे पहले के 5 मिनट हाई फ्लेम पर स्टीम कर लें और उसके बाद फ्लेम को आप लो कर लें और इसे स्टीम होने दें। तो ये देखिए यहाँ पे इडली अच्छे से स्टीम हो चुके हैं, तो अब मैं इसमें टूथपिक डाल के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी जो इडली है वो अच्छे से स्टीम हो चुकी है। तो चलिए अब हम इडली को निकाल लेते हैं और इसे ठंडा होने के लिए 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखिए 5 मिनट के बाद ये थोड़ी सी ठंडी हो चुकी है और यहाँ पे मैंने एक चम्मच लिया है और चम्मच से मैं इसे डीमोल्ड कर रही हूँ। तो ये देखिए हमारी जो वो इडली है बहुत सॉफ्ट बनी है और बहुत ही डिलीशियस है और बहुत ही हेल्दी भी है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सारी इडली को डीमोल्ड कर लिया है और ये रेसिपी भी मैंने टिफ़िन बॉक्स के लिए बनाई है। तो चलिए अब इसे टिफ़िन बॉक्स में अरेंज कर लेते हैं। इसे यहाँ पर मैं सर्व कर रही हूँ कोकोनट चटनी के साथ। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आएगी, तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंजॉय।